वज्र स्ट्राइकर हथियार के बाद दुर्गा 3 की एंट्री। दुश्मन को उड़ाने के लिए भारत उतारने लगा लेजर हथियार। अब हाई एनर्जी लेजर बीम से तबाह होंगे सारे दुश्मन। हथियार देख बेहोश हुए चीन और पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, भारत अब कुछ ऐसी प्लानिंग स्टार्ट कर चुका है कि दुश्मन को तबाह करने के लिए गोला बारूद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि बिजली की रफ्तार से हाई एनर्जी लेजर बीम के जरिए ऐसा हमला किया जाएगा कि सारे दुश्मनों को उनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिस लेजर हथियार के मामले में भारत ने पहले ही पूरी दुनिया को काफी पीछे छोड़ दिया है, भारतीय वैज्ञानिक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और आए दिन ऐसे ऐसे लेजर हथियार डेवलप कर रहे हैं कि अमेरिका भी हैरान हो चुका है। जी हां, दुर्गा 2 को सक्सेसफुल तरीके से डेवलप कर लेने के बाद पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि DRDO के वैज्ञानिक अब इसी स्टेज पर रुक जाएंगे, क्योंकि दुर्गा 2 के साथ ही भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार डेवलप कर लिया था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक वहां पर भी नहीं रुके और अब वज्र स्ट्राइकर नाम का एक ऐसा लेजर हथियार डेवलप कर लिया है जो दुश्मन के ड्रोन्स और मिसाइलों को पलक झपकते ही राख कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब भारतीय वैज्ञानिक लेजर हथियारों को लेकर लगातार प्रगति कर रहे हैं तो क्या आने वाले समय में उनके द्वारा दुर्गा के एडवांस वर्जन यानी कि दुर्गा 3, दुर्गा 4 और दुर्गा 5 लेजर हथियारों को डेवलप किया जाएगा, और अगर डेवलप किया जाएगा तो ये कितने शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले वज्र स्ट्राइकर की उस मायावी ताकत के बारे में बताएंगे जो दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाली है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर भारत ने दुर्गा लेजर हथियार के नेक्स्ट वर्जन को डेवलप किया तो ये कितने ताकतवर हो सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन DRDO के वैज्ञानिक आए दिन जिस तरह से देश को नए नए फ्यूचरिस्टिक हथियारों से लैस कर रहे हैं, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी गर्व की बात है। सबसे पहले बात करते हैं वज्र स्ट्राइकर हथियार की, जिसमें आपको भारत के भविष्य के लेजर हथियारों की क्रांतिकारी ताकत दिखाई दे जाएगी। भारतीय स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने इस क्रांतिकारी लेजर हथियार को तैयार किया है, जिसे पूरी तरह से भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वज्र स्ट्राइकर वास्तव में आखिर है क्या? तो दोस्तों, वज्र स्ट्राइकर एक लेजर आधारित हथियार सिस्टम है जिसे खास तौर पर दुश्मनों के ड्रोन्स और मिसाइलों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा हथियार है जो न केवल काफी सटीक है बल्कि किसी भी रफ्तार से आने वाले खतरों को चंद सेकंड में नष्ट कर सकता है। वज्र स्ट्राइकर के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम दुश्मनों के अत्याधुनिक ड्रोन्स और उनकी मिसाइलों को इतनी तेजी से पहचानता और नष्ट करता है कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जहां पारंपरिक मिसाइलों को लॉन्च करने और टारगेट पर पहुंचने में कुछ समय लगता है, वहीं वज्र स्ट्राइकर की लेजर बीम सीधे दुश्मन के टारगेट पर फोकस करती है और उसे पलक झपकते ही राख कर देती है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जो हमेशा ही भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, वज्र स्ट्राइकर किसी भयानक सपने से कम नहीं है। इन दोनों देशों की आक्रमण योजनाओं को वज्र स्ट्राइकर हवा में ही खत्म कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उनके अत्याधुनिक हथियार भारत की सरहदों में घुसने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। वज्र स्ट्राइकर का प्रभाव न सिर्फ हवाई हमलों को नष्ट करने तक सीमित है, बल्कि ये भविष्य के युद्धों में हमारी सेना के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। सोचिए दोस्तों, जब दुश्मन अपने सबसे खतरनाक ड्रोन और मिसाइल भेजते हैं और हमारी सेना केवल एक बटन दबाकर वज्र स्ट्राइकर को सक्रिय करती है और दुश्मन की पूरी तैयारी हवा में भस्म जाती है। ये तकनीक कितनी ज्यादा एडवांस है और दुश्मनों को किस हद तक बैकफुट पर धकेल सकती है। लेकिन जरा रुकिए, इसके बाद जो हथियार आने वाला है वो तो वज्र स्ट्राइकर का भी बाप होगा, और उसके बाद जो तीन और हथियार आने वाले हैं वे अपने पिछले वर्जन से लगातार घातक होते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं DRDO के उस मायावी हथियार की, जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के डिफेंस एनालिसिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं। जी हां,
हम बात कर रहे हैं दुर्गा टू लेजर हथियार की। डीआरडीओ यानी कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आर्मी के लिए इस अत्याधुनिक लेजर हथियार को विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है और जल्द ही इस हथियार का टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, दुर्गा 2 सिर्फ एक साधारण हथियार नहीं है, बल्कि ये भारत की सैन्य ताकत को ऐसे स्तर पर ले जाएगा जहां दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत से उलझने का क्या परिणाम होगा। दुर्गा 2 लेजर हथियार दुनिया की सबसे उन्नत लेजर प्रणाली है जो दुश्मन के हवाई, जमीनी और समुद्री हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। इस लेजर हथियार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हाई इंटेंसिटी वाले लेजर बीम का इस्तेमाल करता है जो किसी भी धातु को सेकंडों में पिघला सकती है, चाहे दुश्मन की मिसाइलें हों या ड्रोन। दुर्गा 2 उन्हें मीलों दूर से पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसकी सटीकता और तीव्रता इतनी अद्भुत है कि दुश्मन को पल भर में ही समझ में आ जाएगा कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। दुर्गा 2 न केवल हमले को रोकने में सक्षम है, बल्कि ये दुश्मन के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम्स को भी बाधित कर सकता है, जिससे उनकी सभी रणनीतियां नाकाम हो जाएंगी। इसकी लेजर बीम दुश्मन के हवाई जहाजों, मिसाइलों और यहां तक कि पानी में चलने वाले जहाजों को भी पूरी तरह से खत्म कर सकती है। दोस्तों, इसकी उपयोगिता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत की सीमाओं पर, चाहे वो चीन के साथ लगती हुई पर्वतीय सीमाएं हों या फिर पाकिस्तान के साथ रेगिस्तान में फैली सीमा, दुर्गा 2 हर दिशा से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। दुर्गा 2 का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये भारत को एक ऐसा सुरक्षा कवच देता है जो किसी भी समय किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और अब चलिए आपको भारत के भविष्य के लेजर हथियारों की तस्वीर दिखाते हैं। यकीन मानिए, आप न केवल हैरान हो जाओगे बल्कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वज्र स्ट्राइकर और दुर्गा 2 तो सिर्फ शुरुआत है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक दुर्गा सीरीज के तहत और भी अत्याधुनिक लेजर हथियार डेवलप करने में जुटे हुए हैं, जो अपने पिछले वर्जन की तुलना में लगातार हाई इंटेंसिटी वाले और घातक होते चले जाएंगे। तो चलिए एक अनुमान के आधार पर बताते हैं कि भारत का दुर्गा 3, दुर्गा 4 और दुर्गा 5 सिस्टम कितना ताकतवर हो सकता है। अगर बात करें दुर्गा 3 की, तो ये लेजर हथियार दुर्गा 2 की तुलना में लंबी दूरी तक टारगेट को हिट करने की क्षमता से लैस होगा। दुर्गा 3 न केवल दुश्मन के हवाई हमलों को नष्ट करेगा, बल्कि जमीनी युद्ध में भी अद्वितीय होगा। ये मिसाइलों, बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकेगा। इसके अलावा दुर्गा 3 को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि ये एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सके, और अगर ऐसा होता है तो दुश्मन की बड़ी से बड़ी सैन्य टुकड़ी भी इसकी लेजर बीम से बच नहीं पाएगी। इसकी बीम इतनी तीव्र और शक्तिशाली होगी कि दुश्मन के सारे उपकरण चंद सेकंड में खत्म हो जाएंगे। अगर एक जनरेशन और आगे जाएं, यानी कि दुर्गा 4 लेजर सिस्टम की बात करें, तो इसके पास मल्टी डायरेक्शनल अटैक की क्षमता हो सकती है, यानी कि ये एक ही समय में कई दिशाओं में दुश्मन को खत्म करने में सक्षम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने कई तरफ से हमला करने की योजना बनाई है, तो दुर्गा 4 के सामने उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं आएगी। तो चलिए एक जनरेशन और आगे चलते हैं और बात करते हैं दुर्गा 5 लेजर हथियार की। दोस्तों, दुर्गा 5 न सिर्फ एक लेजर हथियार होगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर की क्षमताओं से भी लैस होगा, यानी कि ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जाम कर सकता है, उनकी सारी तकनीकी संचार प्रणाली को बंद कर सकता है और उन्हें अंधकार में डाल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डीआरडीओ को दुर्गा लेजर हथियार के नेक्स्ट वर्जन डेवलप करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।